वास्तु अनुसार बनाते हुए भी जब हम कोई गलती कर देते हैं तो वो क्या हो सकती है और उसे कैसे ठीक करें, ये इस वीडियो में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, लोग बोलते हैं एक बंगला हो न्यारा, बस सपना एक्चुअल था कि एक घर हो न्यारा। अब बंगले पे आ गए तो चाहते घर हैं। घर का मतलब क्या है? जहाँ खूब पॉजिटिव एनर्जी हो, स्वस्थ रहें, सब का आपस में प्रेम हो, जो काम करना चाहे वो एनर्जी हो, तो सपना तो घर का है। तो अब मान लीजिए हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खूब अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं और घर बनाने के लिए वास्तु के नियमों का पालन भी कर रहे हैं, इनिशियल नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अच्छे से प्लानिंग करवा ली, उस पर ध्यान दे दिया और वो प्लान हो गया, मकान चालू हो गया। अब प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि कई बार प्लान हो जाने पर भी रिजल्ट नहीं आते या माइनस आ जाते हैं, वो क्यों? तो उसको समझने के लिए हम केवल एक प्रैक्टिकल देखना चाह रहे हैं कि एक मकान को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्लानिंग देखिए आप, इसमें सब कुछ है, वास्तु के हिसाब से एंट्री भी है, साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, साउथ वेस्ट में जहाँ मास्टर का बेडरूम होना चाहिए वहाँ मास्टर का बेडरूम भी है, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ गेस्ट का बेडरूम होना चाहिए वहाँ गेस्ट का बेडरूम भी। ये सब प्लानिंग बहुत प्रॉपर हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ब्रह्म स्थान होता है, जो खुला होता है, वो ओपन भी है, फ्री फॉर मूवमेंट भी है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए गलती कहाँ हो रही है। गलती हो रही है मतलब एक नॉर्मल आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उसकी प्लानिंग में वो बीम निकल रहा है वहाँ से। अब बीम जाने से ब्रह्म स्थान बिगड़ जाएगा, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्थान से क्रिएटिविटी डेवलप होती है, हेल्थ का रिलेशन है पूरा। तो वो वहाँ अगर बीम है, कॉलम हो तो बहुत डेंजरस है, लेकिन चूंकि वास्तु से प्लान था तो कॉलम तो लिया नहीं, तो कॉलम तो नहीं दिख रहा, बीम आ गई तो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। उसको आप उससे भी देखिए कि प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि साइट पर गए तो एनर्जी कैसी थी बीम होने के कारण। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी को चेंज किया जा सकता, वास्तुशास्त्र में से चीज़ें बता रखी। तो उसका प्रयोग किया गया और उसको प्रयोग करने के बाद जब एनर्जी देखी गई तो प्लस में कन्वर्ट हो गई। तो हमें यह देखना है कि कभी कोई गलती हो जाए तो हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके प्रैक्टिकल वीडियो देखिए आप लोग। इस साइट पर एग्जिस्टिंग वाइब्रेशंस क्या है, फिर हम डेवलप कर ही रहे हैं थोड़ा सा अभी एक पार्ट। ये रूम में अभी देख रहे हैं, ये ब्रह्म स्थान की तरफ जा रहे हैं। ये ब्रह्म स्थान नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? यूं तो फ्री दिख रहा है क्योंकि इसमें से बीम जा रहा है, तो बीम के कारण इसने ब्रह्म स्थान को नेगेटिव कर रखा है। अब हम इससे बाहर आए या प्लस हो जाता है, ब्रह्म स्थान के आसपास जाते हैं तो नेगेटिव हो रहा है। तो वास्तु की प्लानिंग के हिसाब से तो प्लस दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव है। तो इस तरह की चीजों को काउंटर करने के लिए आप पूरी एनर्जी का एक सिस्टम बना रहे हैं, पिरामिडों के थ्रू, जड़ी बूटियों के थ्रू, मिनरल, रत्न, एसेंशियल ऑयल आदि चीजों के द्वारा प्लिंथ हाइट में एनर्जी बना दी गई है। अब देखते हैं वाइब्रेशन, अभी तो बना ही है तो कुछ डेवलप हुए या वही। ये किचन का मूवमेंट पहले से बहुत फास्ट हो गया, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस डेवलप हो गए हैं। अब मेन तो ये देखना है कि ब्रह्म स्थान में जो बीम जा रहा था उसके कारण जो निगेटिविटी आ रही थी उसका क्या हुआ, वो बहुत महत्व। यहाँ से निगेटिव चालू हुआ था, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। ये बताने के लिए है कि एनर्जी वास्तु में वाइब्रेशंस को कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को चेंज किया जा सकता है।